let الذين آمنوا وكانوا يتقون mm <clears throat> the كل العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين قال الأمير من وقّر عالما فقد وقّر ربه إمام علي عليه السلام فرمته كجيش شخص एक आलिम को अहतराम किया और उसको इकराम किया ऐसे ही है कि जैसे उसने अपने परवदिगार का इकराम और अहतराम किया है इसी सिलसिले में हमने मरहूम रईसमबल्क़ी सैद सईद अख्तर रिजवी के बरसी के सिलसिले में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आयतुल्ल हमदुल हसन साहब का कि उन्होंने उर्दू मजलिस को ख़ताब करके इस वजह शख्सियत का मारफी किया का मकान में आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ इन मरासमों में शिरकत की आप लोगों से ये गुजारिश है कि मरहूम सैद साय सैद अख्तर रिजवी और तमाम मरहूमिन के लिए एक शुर पढ़ कर उनकी रूहों को इसाल करें वसलामक वरहि वबरकू एक सलाम के चंदेरपेश कर मुदफ़रमए कि चश्मशे पढ़ने से पहले जाजिब न था चश्म शेह पढ़ने से पहले जाजिब था कीमती पत्थर तहुर लेकिन जाना न कीमती पत्थर तहुर लेकिन तराशी जाना न था मुज़रमाए कि ढा दिया एक ज़रबत इनकार से ये तुम ही थे ढा दिया एक जरबत इनकार से ये तुम ही थे वरना बैत का महल ऐसा तो बोसीदा न था वरना बैत का महल ऐसा तो बोसीदा न था कि करबला की समत से इस वास्ते जन्नत गए करबला की समत से इस वास्ते जन्नत गए फ़ासला भी कम था और रास्ता भी पेचीदा न था फ़ासला भी कम था और रास्ता भी पेचीदा न था कि बस उसी को राह से वापस किया शब्बीर ने बस उसी को राह से वापस किया शब्बीर ने नुसरत दीने लही में जो संजीदा न था नुसरत दीने लही में जो संजीदा न था ना फरमाएँ कि लौह की तहरीर आइना थी आबद पर अगर लौह की तहरीर आइना थी आबद पर अगर चश्मे ज़ैनब से भी कोई हर्फ पोशीदा न था चश्म जैनब से भी कोई हल्फ पोशीदा न था ख़ास करके मौा फरमाए कि उस तरफ खौफ जरी था इस तरफ शौक़ जहाद उस तरफ खौफ जरी था इस तरफ शौक़ जहाद कोई भी खेमा शब याशूर खाबीदा न था कोई भी खेमा शब याशर खाबीदा न था मदद फरमाए कि पानी भी चुल्लू में था और प्याज भी होठों पर थी पानी भी चुल्लू में था और प्याज भी होठों में थी बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था बस वफा ने उसको फेंका जो पसंदीदा न था कि तो कुछ सितारे थे फलक पर सोग वाराना मगर थोड़ी सी बात के पहले जो था गम के होते थे लेकिन कोई देखेगा शेर में ख़ास एक मकसद है कि कुछ सितारे थे फलक पर सोग वाराना मगर करबला से पहले कोई चांद रंजीदा न था करबला से पहले कोई चांद रंजीदा न था कि जौन का पुरूर चेहरा देख के बाद दुआ जौन का पुरूर चेहरा देख के बाद दुआ कौन सा आईना ऐसा था जो गिरविदा न था कौन सा आईना ऐसा था जो गिरविदा न था मतलब फरमाए कि करबला पर जब नज़र की तब ये आगाही हुई करबला पर जब नज़र की तब ये आगाही हुई सारी दुनिया देख के भी मैं जहाँ दीदा न था सारी दुनिया देख के भी मैं जहाँ दीदा न था कि जब कहा मैंने तबसम लोगों ने असगर सुना जब कहा मैंने तबसम लोगों ने असगर सुना जब कहा मैंने तबसम लोगों ने असगर सुना नाम से ये इस पहले चस्पीदा न था नाम से ये इश्हारा पहले चस्पीदा न था कि बेरिदाई थी असीरी थी तमाशाही भी थे बेरिदाई थी असीरी थी तमाशाही भी थे फिर भी उस खुतबे का कोई हर्फ शोरीदा न था फिर भी उस खुतबे का कोई हर्फ शोरीदा न था कि उस जमी से रोज़ उगते हैं महो मेहरो उस जमी से रोज़ उगते हैं महो मेहरो एक दिन था जब वहाँ सब्जा भी रो ईदाना था एक दिन था जब वहाँ सब्जा भी रोईदाना था और मक्ता मरमाए फरमाए कि कद बढ़ाया है सफ़र का हर कदम सजाद ने कद बढ़ाया है सफ़र का हर कदम सजाद ने वरना सरवर ये शजर इतना तो बाली दाना था वरना सरवर ये शजर इतना तो बाली दाना था एक सलाम के कुछ और अशार पेश कर रहा हूँ मुजफ़रमाए मतलब मतला ख़ास करके मुजफ़रमए मतलब कि बेजबाने जब तब्सम हरफ मुरसल कर दिया बेजबाने जब तब्स्सम हरफ मुरसल कर दिया हब की तरह दस्ते शल कर दिया हब की तरह दस्ते शल कर दिया कि हशर तक बातिल जबा आप सर्फ कर सकती नहीं हशर तक बातल जबा सर्फ़ कर सकती नहीं एक नहीं ने जुमला बैक को मुहमल कर दिया एक नहीं ने जुमलाए बैक को मुहमल कर दिया ये शेर देखिए खास से शेर है फरमाइए कि साथ आया बलग ने आकर दीन को कामिल किया आया बलग ने आकर दीन को कामिल किया ने फहरिस्त शहादत को मुकम्मल कर दिया हरन से रिश्ते शहादत को मुकम्मल कर दिया ख़ास करके कर मतलब फरमाएँ देखिएगा कि बढ़ गया कुछ और ही चश्मे शहादत का जमाल बढ़ गया कुछ और ही चश्मे शहादत का जमाल जॉन ने जब अपनी कुर्बानी को काजल कर दिया जॉन ने जब अपनी कुर्बानी को काजल कर दिया कि मौत को मीठा कहा कासिम ने असगर मुस्कुराए मौत को मीठा कहासम ने असगर मुस्कुराए एक ने दावा किया एक ने मुद्ल कर दिया एक ने दावा किया एक ने मुदल कर दिया देखिएगा ये भी शेर कि एक नाबीना को भी हैदर नजर आने लगे एक नाबीना को भी हैदर नजर आने लगे इस तरह जैनब ने लहजे को मुशक्ल कर दिया इस तरह जैनब ने लहजे को मुशक्ल कर दिया मदा फरमाएँ कि जल्द हो देखिएगा ये शेर ख़ास करके मदा फ़रमाएँ कि जल्द हो क़ायद निदामत से रिहा एहसास हुर जल्द हो क़ैद निदामत से रिहा एहसास हुर इसलिए शब्बीर ने आखिर को अव्वल कर दिया इसलिए शब्बीर ने आखिर को अव्वल कर दिया और ये देखिए जो हमारे यहाँ होता है कि मुहर्रम में हमारा बर्ताव हो क्या होता है उसके बाद क्या होता है मुझे फ़रमाए कि आमद तहज़ीब गम ए रुसत तहज़ीब गम आमद तहज़ीब गम ए रुसत तहज़ीब गम जंगलों को शहर फिर शहरों को जंगल कर दिया जंगलों को शहर फिर शहरों को जंगल कर दिया कि खौफ से हैं ज़रद रुख सार सिपाह अलकम खौफ से हैं जरद रुख सार सिपाहे अलकमा आमद अब्बास ने चेहरे को पीतल कर दिया आमद अब्बास ने चेहरे को पीतल कर दिया ख़ास करके आखिरी दो शेर मुझे फरमाए कि नूर के खुतबे ने जुलत की ज़बाने काट दी नूर के खुतबे नेत की ज़बानें काट दी शाम के दरबार को सूरज ने मक्तल कर दिया शाम के दरबार को सूरज ने मक्तल कर दिया आखिरी में फरमाए हाथ में परचम लिए जब आग पर रखा कदम हाथ में परचम लिए जब आग पर रखा कदम तो अलम के सय ने शोलों को मखमल कर दिया तो अलम के साए ने शोलों को मखमल कर दिया आप तमाम से दरख्वास्त थे कि मरहूम आयतुल्ल मरहूम जनाब ये सईद अख्तर साहब आल्ल मकामा और दीगर मरहूम ममिनिन मोमिन के लिए सूरभ आते अगति أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين آذَبَ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة वजादिल बिल्लती हुआ मोहम्मद हमारे आपके दरमियान इस वक्त जो गुफ्तु गु है वो सूर नहल की एक सौ पच्चीसवीं इसी से बिल्कुल मतलब इसके बाद एक सौ छब्बीसवीं आयत है उसको अभी कुछ कहूँगा और फिर दो आयात के बाद ये सूर ख़त्म हो जाता है मुकम्मल एक सौ अट्ठाईस आयात सूर्य नगल में है और हमने इस आयत को भी सरनामा कलाम इस मसलहत से करार दिया है कि हमारे लिए जो इस वक्त सबसे हम मौजू है आज सारी दुनिया का इस्लाम और इस्लाम को पहुंचाने का मामला इस्लामी अहकाम को कैसे पहुंचाया जाए सदियों से यही है हजारों साल मजहब को गुजर गए बात कहते कहते और कुरान करीम को पंद्रह सौ तिरपन साल हो गए उसके नजूर को एक तो इसलिए भी दूसरा ये मजलिस भी जिस शख्सियत से ईसा सवाब से मंसूब है उनकी ज़िंदगी भी सबसे अहम जिस शाहरा पर थी वो इस्लामी तबलीग का मसला था उसको मैं भी कहूँगा तो इसलिए आइए हम और आप देखें पहले ही मैं इतना कह दूँ कि जब हम और आप कोई इस्लामी मामला की तबलीग करते हैं तबलीग क्या है पहुंचाना इस्लामी अहकाम को इस्लामी शरीयत को कुरानी मामलात को कुरानी अहकाम को पहुंचाना उस रास्ते से पहुंचाना जो मुसलमानों में जिसके लिए जैसा पसंदीदा हो हमारे आपके नज़दीक सबसे पसंदीदा रास्ता वो एक जो हुजूर और उनके अहल उनके रास्ते से जो हमें दीन और शरीयत मिली है उसे हमें पहुंचाना है फ़र्क़ एक बात का मैं शुरू में एक जुमला अज़ कर दूं कि मैंने अभी कहा तबलीग का, का मफह है पहुंचाना इस्लामी अहकाम को इस्लामी शरीयत के अमूर को तलीमत एहलेत अतार के रास्ते से पहुंचाना हम एहलेत अथार की पाबंदी के लफ्ज़ इसलिए अख्तियार करते हैं जो आजाद जहां तक मेरी बात पहुंचे देखिए दो लफ्जों में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा इस्लामी तबलीग को कुरानी तबलीग को इस्लामी अहकाम को दो लफ्जों के सहारे अगर हम बात करें तो बड़ा फर्क हो जाएगा वाज हो जाएगी बात एक है अपनी बात को हक हकानियत सदाकत सच्चाई जिसको भी आप कहें एक है पहुंचाना और एक है मनवाना फर्क हो जाएगा पहुंचाना और है और मनवाना और है पहुंचाना और सामने वाले का मान लेना और है और पहुंचाने से अलग रहकर मनवाना उस पर जिद और बात हमारी इस्लामी शरीयत जो दुनिया के सामने इस्लाम की बातें दुनिया तक गईं उसमें हमें तारीख के तमाम माजी के सफात अगर हम पलटें तो ये दोनों रुख मिलेंगे मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा बात को पहुँचाया गया सामने वाले ने मान लिया बात को पहुँचाया गया सामने वाले ने नहीं माना मनवाया गया बड़ा फ़र्क है और हमें क्या हक हाँ है किसी से बात को इस्लामी बात को इस्लामी शरीय को कुरानी अहम को मनवाना हम क्या है हमारी क्या हैसियत है मैंने सूरहल की जिस आयत से इब्तदा की है वह क्या कहा जा रहा है इला सबील रसूल उत ओला वह मुझे बात करना है चाहता रसूल से खिताब हो रहा है रसूल अल्लाह के रास्ते की तरफ आप लोगों को दावत दें सभी अरब क्या है तफासिर में मिलेगा आपको दीन इलाही अल्लाह का दीन अल्लाह के दीन की तरफ आप लोगों को बुलाएं अब क्या कहा गया बिल हिकमा हिकमत के साथ अभी मैं कहूंगा हिकमत क्या है वलमोजिल हसना अच्छी नसीहत तीसरी बात विल बिल्लती हसन और उनसे आप वो बहस मुबास वो आर्गमेंट्स करें कि जो अच्छे हों क्या कहा कि आप इन तीन रास्तों से लोगों को बुलाएं यानी इस्लाम को पहुँचाएं शरीयत को पहुँचाएँ इन तीन रास्तों से हमत अभी कहूंगा क्या है मोवजा एहसना अच्छी गुफ्तु अच्छी नसीहत अच्छा वास, जिदाल अहसन अच्छा बहसो मुैसा रसूल से कहा गया उसने कहा अल्लाह के दीन की तरफ इन तीन रास्तों से बुलाइए बस यकीन आपका रब जानने वाला है ना रब बक हुआ आलम वो बहुत ज्यादा जानने वाला है बिल मोहदीन जो हिदायत याफ्ता है रब हुआ आलम बिल बेमन सल्ला सबीले जो रास्ते से गुमराह है उनको भी जानता है वह तो आलम बिल मोहतदीन और उन सबको भी जानता है जो हिदायत याफ्ता है वो जानता है आपका काम पहुंचाना है आपकी बात इन तक इस्लाम को पहुंचा देना है पहुंचाना आपका काम है ये माने या ना माने उसकी बात हमारे जिम्मे है हुआ आलम वो, वो बहुत जानने वाला है तो हजीजाल रावी जब रसूल को इसका तरीका हमारे सामने जो पेश किया गया वो ये हिकमत मोहसन जिदाल अहसन जिदाल से बुरा तलवार नहीं है शुरू में एक बात कह लूं मैं अक्सर कहा करता हूं इन बातों को और बस लोगों को बस बात इस बार फिर मैं फिर से कह लू तीन लफ्जें ऐसी जो ते से शुरू होती हैं हमारी उर्दू में और ये तीनों ते बहुत खतरनाक हैं एक तालीम एक तबलीख एक तलवार ये बहुत खतरनाक है बच्चों के हाथ में चली जाए तुम तालीम दो तुम तबलीग करो ना फहम कम फहम लोगों के हाथ में चली जाए तुम तालीम दो कोई भी इंसान कम अक्ल उस्ताद के हवाले अपने बच्चे को नहीं करता और कोई भी समझदार किसी बच्चे के हाथ में तलवार नहीं देगा क्या कर देगा वैसे ही तालीम तबलीग और तलवार नहीं दी जाएंगी समझदार के हाथ पे इस्लामी तबलीग अभी मैं इस पर अगर कहूँ तो अशरों का मौजू है लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुतल बात है इसलिए मैं इसी मौजू को अख्तियार कर रहा हूँ तो रसूल से क्या आगे आ गया बिलहिकम आइए फिर बात करें हेकमत के साथ बुलाइए हेकमत क्या है तिब मेडिकल ये सब नहीं है मत से मुराद इसको तफसर मजमोल बयान में हमारी अजीम मुफसर हस्ती अलाम तबरसी ने भी लिखा अलहिकमा बस वो रोकने वाली किस बात से रोकने वाली कुरान के लिए उन्होंने लिखा कुरान ुरान हिकमा कुरान का नाम भी हिकमत पड़ा फिर उन्होंने लिखा इसलिए हिकमत है क्या जो अच्छी बातें जिसके जरिए बताई जाए और बुरी बातों से जो कबीफ बातें रोका जाए यह हिकमत इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर लिखा कि अगर ये कहा जाए कि हमत क्या है बेमंज़िल, मंजिल ब माने अनिल फसाद फसाद से रोकने वाली मंजिलत में है तो कुरान से रसूल ने क्या रसूल से क्या खिताब किया कि आप लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हमत से बुलाएँ यानी कुरान से बुलाएँ यानी कुरान क्या है फसाद से रोकने वाली किताब मवाज़ हसना वाज़ हसन अच्छे वाद से बुलाएँ क्या है मवाज़ बिल क़ुरान जो कुरान के वाज़ व नसीहत वाली बात है उनसे जिदाल एहसन क्या है नाग़र हम यही तफसीर में है बिल कुरान अगर आपको इनसे मुनाजरा करना है तो कुरान से अगर हम हर जगह कुरान की पाबंदी में हैं शरीयत को पहुँचाने में दीन को पहुँचाने में तबलीग करने में तो हर कदम पर हमको इसकी ऊपर नजर रखना है कि इससे कोई फसाद तो नहीं पैदा होने वाला है जहां फसाद का इम्कान हो वहां पर रुक जाना है यह तबलीग नहीं होगी मुफाद कुरानिया के खिलाफ होगी फसाद होता रहे हम तबलीग करते रहे बात को मैं बहुत समेट कर कहूंगा इसलिए कि मुख्तर से गुफ्त हुए जहां ख्याल कीजिए कि हुजूर की तिरसठ साल की जिंदगी इस तिरसठ साल की जिंदगी में तेईस साल जो आपकी तबलीगी कुरानी जिंदगी के मक्के में गुजरे चालीस साल के बाद इन तेईस साल में सबसे अहम वक्त कौन सा आया जब आपने पहले अपने भाई को हजरत हजरत हफशा के लिए भेजा इन दो हजरतों के बाद अब तीसरी हिजरत जब हुजूर ने खुद हिजरत फरमाई क्यों हिजरत की गई आप सब और कीजिए क्यों हिजरत की गई इस्लाम पर तबलीग इस्लाम पर अहकाम इस्लामिया पर किसी फसाद का धब्बा आने ना पाए हिजरत कर लो मक्के को छोड़ दिया बुजुर्गों के आसार छोड़ दिए अपनी तमाम उमूर जितने वहां थे वो छोड़ दिए सब कुछ जिंदगी जहां गुजर गई तिरपन साल उसको छोड़ा मदीने आ गए मदीने की जरा जल्दी से मैं तारीख बयान कर दो सन दो हिजरी जंगे बद रहे मदीने में है मक्के में जाकर नहीं है सन तीन हिजरी जंगे ओहद है अब जंगे हैं तो जंग ना कहिए आप हिफाजती लड़ाई क्योंकि 440 किलोमीटर चल के मक्के वाले आ रहे हैं हुजूर के मुकाबले मदीने या मदीने के करीब हो रहे हैं बौौर कर लीजिएगा दो हिजरी भद्र तीन हिजरी ओहद चार हिजरी कुछ गजबे वरा पाँच हिजरी जंग उदैबिया जंग एसाब जिसको हम जंग खंदक कहते हैं छः हिजरी उदैबिया सोलह उदैबिया सात हिजरी जंगे खैबर आठ हिजरी फ़तह मक्का जिसको कहा जाता है अब हुजूर की जिंदगी के दो साल रह गए हैं नौ हिजरी और दस हिजरी ग्यारह की इतदा में आपका विसाल है वफात है आठ हिजरी तक इक्कीस साल हुए मक्के की तबलीग को सामने आते हुए इक्कीस साल में इस्लाम को फैलाने के लिए एक दफा तलवार चलाना बताओ मक्के की तेरह साल और मदीने की आठ साल की जिंदगी में से इक्कीस साल मैंने आपको बयान किए अभी दो साल बाकी हैं। इस इक्कीस साल में सन 8 हिजरी में मक्के की फतह के मौके पर वो खानदान जो अब तक लड़ता चला आया था और लड़ाता चला आया था उसने इस्लाम कबूल कर लिया यानी अबू अबूसफिया का घराना अबू सफिया के घराने ने आठ हिजरी में इस्लाम कबूल किया सारी दुनिया के सामने मैं तानो तंस के लिए नहीं कहा करता हूं, मगर इंसाफ जस्टिफिकेशन अदालत के लिए एक बात कहूंगा हुजूर की एला नबुवत के बाद से तेईस साल की जिंदगी में 13 साल मक्के के आठ साल मदीने में इक्कीस साल की जिंदगी में जितने लोग साथ आए हो हम उस तबलीग पर भरोसा करें या आठ हिजरी के बाद से जो दो साल बस रसूल के साथ रहे उनकी तबलीग पर भरोसा करें मानना पड़ेगा जो बाद के भी दो साल तक साथ रहे यानी जो रसूल की तबलीगती जिंदगी में तेईस साल साथ रहे वह नाकबिल एतबार हो जाएंगे और जो आखिर में सिर्फ दो साल साथ आ गए वो काबिल एतबार हो गए भरोसा कीजिए अहतम रखिए कि पूरी तबलीग रत हमत फसाद से अलग रहकर कतल व खुनरे से अलग रह कर सारी तबलीग इस्लाम है और इसके बाद मैं एक बार क्या छोटा सा बयान करूंगा बाद रसूल पच्चीस साल और गुजर गए तारीख का छोटा सा तजिया बस पच्चीस साल और गुजर गए इसका मकसद ये कि अब आधी सदी तकरीबन हाफ सेंचुरी हो रही है अड़तालीस साल हो गए दो साल बस और अब वो वक्त है कि खुद मौला अली कोफे में है मदीना भी नहीं है मक्का भी नहीं है कोफे में है दुनियावी एबार से भी ताजो तख्त परचम और फौज और अस्कर लश्कर सब कुछ साथ है और तारीख़ कह रही कि आप अपने उमाल हुकूमत हुकूमत के बड़े बड़े जो अहदेदारान हैं उनके साथ आप रास्ते में जा रहे हैं किसी वजह से बाकी आपने सुना होगा बयान कर रहा हूं इसके एक अहम गोशे की तरह मुतवजह करना है आप रास्ते में जा रहे हैं एक जई बीमार बूढ़े इंसान को नारे एक जईफ इंसान को रास्ते में पड़े हुए देखा तो मौला ने पूछा माँ हाजा ये क्या है तजुब से पूछा वो माल हुकूमत साथ है माँ हाजा ये क्या है रास्ते में एक बीमार इंसान लेटा हुआ है जबकि मौला का कौल क्या है कि इस दौरे हुकूमत में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सर पर छत ना हो जिसके जिसम पर लिबास ना हो और जिसके खाने के लिए सामान ना हो और वो इस तरह रास्ते पर हो लोगों ने कहा या मौला ये एक ईसाई है और अब बूढ़ा हो गया है बीमार है रास्ते पर पड़ा हुआ है आपने फरमाया कल जब ये सेहतमंद था तो तुम लोग इससे काम लेते थे और अब जब ये बीमार होकर इस आलम में मजबूरी में है तो तुमने इसको रास्ते में छोड़ दिया है इसे साथ लो लेकर वहाँ आए जहाँ माल, बहुत गौर कीजिएगा बैतलम वहाँ ला कर फरमाया इसके लिबास का इंतजाम करो खाने का इंतजाम वजीफा मोयन हुआ दो बातों के लिए मैंने वाक़ बयान किया पहली बात बार बाालत हजूर किए विफात के बाद ये पच्चीस साल गुजर गए कम से कम छब्बीस भी हो सकते हैं सत्ताईस साल भी हो सकते हैं हाफ़ सेंचुरी आधी सदी गुजर गई है, है तबलियात इस्लाम के मामल को अब सारी कुत और ताकत दुनियावी एतबार से भी ताजो तौर और हुकूमत और फौज सब कुफे में मौलानी के हाथ में वहाँ एक ईसाई का होना पहली बात ईसाई है एक ईसाई नुमाइंदगी कर रहा है जाने कितने ईसाइयों की कि अगर जब रे दीन होता तो ईसाई नजर ना आता दूसरी बात जब आप तो उसके लिए लिबास खाना वजीफा सब मोयन किया बहुत गौर कीजिएगा मुझे तारीख़ में या मौला अली का या जो उनके साथ माल हुकूमत हैं बड़े बड़े अहदेदार हैं इनमें दो तरफ में से किसी एक तरफ का एक जुमला दिखा दो या मौला अली फरमाए या सात वाले कहें इस ईसाई के लिए बैतलम मुसलमी से जो पैसा मुइर होगा उस तो इस ईसाई से कोई तो कहता पहले इस्लाम कबूल कर ले तब ये सब होगा नहीं हुआ यह है इस्लाम जहां कोई जबर कोई तशद कोई जबरदस्ती नहीं है बात पहुंचाना उनका काम मानना ना मानना इनका काम जहाँ से मैंने बात शुरू की और इसलिए मैं इतना और आखिर में कह दूं, कोई वक्त कम है कि जब बिल्कुल आखिरी साल हुजूर की जिंदगी का है जिसको सन संदस हिजरी आप कहें हज आखिर इस हज आखिर के लिए मैं एक मौके पर कहीं किताब देख रहा था अल गदीर कौन है जो वाकिफ नहीं इस किताब से हुए? आलम इस्लाम में हजरत आयतम मरहूम

हज आखिर से रसूल के पलटने के मौके पर जो हदीस है सब दुनिया जानती है मन मनकुन तो मौला उसे नक़ल फरमाया अगर मैं इस वक्त कोशिश करूं मसलन थोड़ा सा मैं इस पर कह लूं मसलन अगर मैं ये कहूं कि साहिब गदीर ने यहाँ लिखा उन अफराद के बड़े लोगों के नाम लाख तीस हजार का मजमा है उस एक लाख तीस हजार के मजमे में जो बड़े बड़े अफराद मौजूद हैं उन सब के नाम में से लिखते हुए फिर उन्होंने यह भी लिखा कि इस हदीस के नकल करने वाले कौन कौन है उनमें बड़े बड़े एक जगह पर नाम चालीस लिखे गए अगर मुझसे उन चालीस के नाम पूछे जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगा उसी में आगे लिखा गया कि इस हदीस को नकल करने वाले एक सौ पच्चीस बुजुर्ग फिर उन तमाम बड़ी बड़ी किताबों में जिसको इसको एक ही तरीके जो हमारे तरीके से नकल किया गया उलवाए इस्लाम में तीन सौ सत्तर क्या दरज़ा बयान हजरत आका अमीनी का रहमत आज में आए तो हम तालब इन थे उन्होंने कहा ये किताबें मैं लेके जा रहा हूँ जहां मैं ठहरा हुआ हूँ हाँ मैं इस वापस कर दूंगा क्या मेरे मुंह से निकल गया एक तरह बेअदबी जसारत थी मैं तरह बना मैंने कहा तो क्या है क्या है मैंने कहा हम लोगों को ये किताबें बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है तो उन्होंने इधर उधर देखा सामने एक दरी पड़ी हुई थी उसको उठाकर उन्होंने यूँ फैलाया और उस पर बैठ गए और मैं किताबें मुझको देते जाओ अगर किताबें बाहर नहीं जा सकती तो मुझे तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता मैं यहीं रहूँगा ज़मीन पर खुर्री ज़मीन पर उनका भाई मेरे लिए एक पानी का इंतजाम रख दो बस तो कुछ पानी का इंतज़ाम उनके लिए कर दिया गया और वो एक हफ़्ता रात दिन वहीं रहे भाई जी के कुतुबानी में हम लोग जाते थे उनका अवाल अब मुझे रात का वक्त मच्छर दुनिया भर की और परेशानियाँ ना राम ना आशाइश किताबें इस तरह होती हैं यार मेहनत इस तरह होती है तो उन्होंने जिन लोगों के नाम लिखे के यहाँ रवायत इसने रवायत की इन्होंने की इन्होंने की वो मतलब तफसी बयान तो अगला पूरा मौजू हो जाएगा क्या यह जमत काफ़ी नहीं कि मैं चालीस के नाम नहीं गिनवा सकता और वह तीन तीन सौ सत्तर अफराद के जिनकी किताबों में इसे नकल किया गया वो बयान करे रसूल ने इतने बड़े मजमे के सामने दो ही बातें तो साबित की एक हज के मौके पर तमाम आमाले शरीयत किस तरह क्या है सब बयान हो गया और वहां तक आते हुए सारे मजमे को जमा करके एक ही कौल मन कुंत मौला अली मौला किस तरह साबित किया गया कोई जबर नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं है और फिर इसी मौजू को रसूल के बाद 25 साल तक फिर उसके बाद करबला तक किस तरह हमारे इस्लाम को एहलियत अथार ने पेश किया यहाँ मैं बिल्कुल करीब में यहाँ से क्योंकि लॉकडाउन में ये मजलिस हो रही है और इतनी बड़ी शख्सियत के लिए रिकॉर्डिंग के साथ है मजमा भी ना होना चाहिए डिस्टेंस के साथ बैठे हैं जहाँ पर करीब में हैं फिरंगी महल है वहाँ के बुज़ुर्गों में एक साहब थे आबिद हुसैन साहब उनके अशार हैं कि जिस पर बड़ा इतराज़ ज़माने लेकिन उन्होंने बड़ी मोहब्बत में कहे खुदा के बाद नबी है नबी के बाद अली उसका आखिरी मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ कि जहाँ वो कह रहे हैं खुलाए हम्पा हदीस गदीर से आबिद खुलाए हम पा हदीस गदीर से आबिद खुदा के बाद नबी है नबी के बाद अली मैं पूरा पढ़ता लेकिन वक्त नहीं है तो मैं बस बात को तमाम करूँगा कि तबलीग इस्लाम हम सबको अलहमदल पर फ़ख्र फख्रशरफ है कि हमारा रास्ता वो है जो रास्ता है लेते थार कर और जिस पर उन्होंने अपनी ज़िंदियाँ पेश कि करबला तक यही हमारे मोहतरम आलिम जो आज हमारे दरमियान नहीं है मैं उनके बारे में अभी बाद में कुछ कहूँगा आयतल मरहूम और आसली सईद अख्तर साहब कब्लः जो हमसे तकरीबन ग्यारह बारह साल बड़े थे हमारे बुज़ुर्गों में एक तरह थे उन्होंने मशरक़ी अफ्रीका में सन उनसठ पे गिफ्टी नाइन में वो गए मैं फिफ्टी सिक्स में अफ्रीका गया था वापस आ गया फिर इराक चला गया सन अट्ठावन से मैं इराक़ में था नज़फ़ अशरफ में मौलाना की वो तबलीगत इसलिए अहम है कि उन जैसा मुबलख पूरी तारीख में हमारी को दूसरा नहीं है इसलिए कि ब्लैक्स में काले लोगों में कोई के तबलीग करे जात मौलाना शेर अख्तर साहब के बिना किया और यह अलग बात है कि हबशा में हजरत जाफर रशीफ ले गए चौदह साल के बाद जंग खैबर में पलटे मैं इसको फिक्रे को कहा करता हूँ जंग खैबर फतह हुई मौला अली कल खैबर को फतह करके आ रहे हैं हुजूर को ख़बर मिली कि जाफर आ गए आपके भाई हजरत जाफर इतने अभी तालिब को आते हुए देखा कितना अहम है हुजूर का हजरत जाफर के इस्तेबाल को जिस भाई को चौदह साल के बाद देख रहे हैं उनके इस्तेबाल के लिए बढ़ना कि गोया रावी और रवायत करने वाले हुजूर के एक एक कदम को देखते थे एक कदम दो कदम तीन कदम बारह कदम हजूर बढ़े इस्तबाल को तो मोरिस ने लिख दिया ना तेरह लिखे ना ग्यारह लिखा बारह कदम हजूर हज़रत जाफर के इस्तेमाल को बढ़े गले लगाया और यह फरमाया मैं किस बात पर ज़्यादा खुशी महसूस करूँ बे में जाफर आया जाफर के आने पर अम बे फतः खैबर या खैबर की फतः पर मैं कहूँगाजूर का यह जुमला तारीख़ी इसलिए बहुत ज़्यादा रखने वाला है कि हुजूर ने दोनों को इसलिए बयान कर दिया कि एक भाई हबशा में ईसवीयत को फतह करके आ रहा है और दूसरा भाई कले खैबर से यहूदियत को देकर दे वापस आ रहा है आपके सामने बात को खत्म करूं मगर दोनों जगह तलवार इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं थी वरना बाद में यहूदी साथ में नजर आते और हफषा का तो सवाल ही नहीं है कि जहाँ खुद अल्लाह में बड़े मौरक है और रावी हैं इब्नवर्दी उन्होंने लिखा नजाशी के लिए कि असलमा अला उन्हीं के जुमले हैं असलमा अला यद अभी जाफ़र उसने इस्लाम कबूल किया हाथ पर हज़रत जाफ़र के हज़रत जाफर इब्न अभी तालब असलम अलाद जाफर इब्न अभी तालिब उसने इस्लाम कबूल किया हजरत जाफ़र के हाथ पर मैं ये कहूँगा रसीदा तो ने के, के हजरत जाफर आए रसूल गले लगे मुरान से लिखा कि आँखों में आँसू थे मुद्दतों के बाद अपने भाई को देखा तो खुशी के आँसू और बहुत मुमकिन ये भी याद आया हो कि ये वो बेटा है जिसने हिजरत की वजह से अपने बाबा को फिर नहीं देखा हजरत जाफ़र की हजरत के तीन साल के बाद चार साल के बाद तीन साल बाकी रह गए थे हजरत रसूल को जब हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ भाई ने भाई को देखा तो आंखों में आंसू हैं मैं रब लिए सिर्फ इतना ही यहाँ पर कह दूं कि भाई की भाई से मोहब्बत बड़ी होती है कुत बाजू होता है और यही वजह है कि जब मौला को रुख किया था एक और जंग के मौके पर एक और कस्बे के मौके पर हुजूर ने तो वसत वसत करते वक्त भी आपकी आंखों में आंसू थे जब अली फता करके आए तो फिर रसूल की आंखों में आंसू थे क्या मैं याद दिलाऊं दो और भाइयों की बात वो कौन दो भाई सब समझ गए आप लोग जब करबला में एक भाई दूसरे भाई की खिदमत में आया आखा मुझे भी अब मैदान जंग में जाने की इजाज़त हो, तो इमाम ने इतना फरमा दिया भैया तो अब्बास तुम तो लश्कर के सरदार हो तो गए अब्बास का अर्ज़ करना आखा वो लश्कर कहाँ जिसका मैं सरदार था कितना मायूसी का जुमला है इसके बावजूद इंतजाम इसका रहा कि जंग ना कहलाए हमारी तरफ से सिपाल लश्कर सरदार लश्कर अब और कोई नहीं है लेकिन मौला ने क्या फरमाया अच्छा अब्बास अगर जा ही रहे हो तो खैमों में बच्चे प्यासे हैं गया ये भी जंग ना कहलाए पानी का इंतज़ाम कहलाए हजरत अब्बास आए सारी दुनिया जानती है खैमों में आके आवाज दी अपनी भतीजी सकीना को सूखा हुआ मशकीज़ा छोटा सा मशकीज़ा लिया मैदान में गए मशकीजों को पानी में तर किया इतनी देर के पानी भरने के लायक बन जाए सूखा हुआ मशकिदा अच्छा पानी भर लिया तो पूरी फिक्र यह है कि पानी बच्चों में पहुंच जाए लेकर चले मैं उस मंजर को क्या बयान करूँ चंद लफ्जों में बात तमाम करूं कि लेकर चले पानी आलम यह है कि पूरे लश्कर का अब जोर इस पर है कि पानी खैमे में न पहुंचे आखिर वो मंजर सामने आया कि एक बाजू पर वार हुआ लेकिन कोई फिक्र मेरे और आपके आका अब्बास ने नहीं कि सिवाय इसके कि पानी पहुंचा दू क्योंकि चलते वक्त आका ने क्या कहा है क्या फरमाया है अब्बास खैमों में बच्चे प्यासे ये तुम्हारा बार बार मैं कहूँगा जहन में रखिएगा अब्बास खैमों में बच्चे प्यासे दूसरे बाजू परवार हुआ ये खैमों तक मशकीजा पहुंच जाए यहां तक कि जब मशकीजे पर भी तीर लग गया तो मुझे कहना इतना है इतना आप रवायत में देखेंगे बाजू पर वार हुआ हाथ कटा कोई जुमला आकाब्बास की जबान पर मैं तारीख में नहीं देखता दूसरा शाह दूसरा बाजू कटा मैं कोई तारीख में जुमला आपकी जबान पर नहीं देखता लेकिन जब पानी बह गया तब मारिख ने लिखा हमारे आपके आका अबूल अब्बास ने अपना सर आसमान की तरफ बुलंद किया और अब आपकी जबान पर वो जुमला आया जो गया एक तरह जवाब है अपने आका की बात का अल फालसैन अफसान अरे मेरे अल्लाह खैमों में मेरे आका हुसैन के बच्चे प्यासे रह गए गम बाजू कटने का नहीं है पानी खैमे में नहीं पहुंच पाया और फिर वो वक्त आ गया कि जब आप के पास आए इमाम आके सर को जानू पर रखा और लाशे को हज़रत अब्बास को उठाना चाहा उस आखिर वक्त मेरे आपके आका अबुलफिल अब्बास के, के जुमले जिसको दरबंदी ने साहिब असरार्शादा ने इस अल्तज़ाम के साथ लिखा है कि जो इसे बयान करे वो उनका नाम ले उन्हें लिखा कि किमाम ने अब्बास को उठाना चाहा तो अर्ज़ करते आका मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा मुझे सकीना से शर्म आती है पानी का वायदा किया था पानी न पहुंचा सके हुसैन आ गए खैमों तक बच्चे दौड़ कर बाहर आ गए देखा खाली अलम है अब्बास नहीं है वाहमद वाल मोहम्मद जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे तमाम ममनिन मोमिनत सबको अपनी हिफ्ज अबान में रख जो इस वक्त वबा चली हुई उससे सबको महफूज है। भक् महमद वाल महमद तमाम दुनिया इंसानियत इस वक्त इस बात से परेशान है जितने शरीफ शरफ़ा जहाँ जहाँ परेशान सबको उससे न जाता हूँ हमारा भक् महमद वाल मोहम्मद जो हाज़िम हैं हमारा साया उनका सारो पर बाकी है। जो हाज़िम हैं हमारे तमाम करबलामोल्ला में नजफ़ में क़म्भ में कुम मुक़दस में उन सब का सा हमारे सरो में बरकरार बक़े मोहम्मद वाल मोहम्मद, जो मरीजों उनके अमराज ने शिपाता फरमा जो किसी फिक्र तरद्दुब्ब में मुब्तला है उनसे उनको नजात होता फरमा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम सब को राय मोहब्बत एल पर सबित कदम बढ़े जोर हजरत हजरत ने दाजर फरमा वो तमाम अफराद जो खान वाद हजरत आगह सईदर अख्तर साहब महरूम से मतलब वाबस्ता हैं और दीन के खदमत अंजाम दे रहे हैं उन सबको अपनी हिजुमान में रख उनके तोफ़ी में इजाफा फरमा बेक़े मोहम्मद वालि मोहम्मद आप तमाम वजरा से फिर दरख्वास्त एक बार फिर मरूम जनाब सैद अख्तर साहब वाल मकामा के लिए इस